हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली मध्य प्रदेश के मंदसौर में हैवानियत की घटना में आज कोर्ट का फैसला आया है और दोनों दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो मासूम के पिता और परिजनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पिता बोले, मेरी बेटी को न्याय मिला है, हम सब यही चाहते थे। पीड़िता को इस फैसले की खबर अभी नहीं दी गई है। 26 जून को हुई घटना के बाद से पीड़िता का इंदौर के MY अस्पताल में उपचार चल रहा है। उधर सोशल मीडिया पर खबर वायरल होते ही शहरवासियों ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। 7 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों दरिंदों आसिफ और इरफान को विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आज सुबह इस मामले की सुनवाई हुई और दोपहर के बाद फैसला आ गया। दोपहर में दोनों आरोपियों को फिर से न्यायालय लाया गया था। फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। बता दें कि इस मामले में न्यायपालिका ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों को 1 महीने और 9 दिन के समय में सजा सुना दी है। यह फैसला मात्र 2 महीने के अंदर सुना दिया गया है। दिनांक 26/6/2018 शाम की घटना है। दोनों ही आरोपीगण बालिका को स्कूल से अपहरण करके लक्ष्मण दरवाजा के पास झाड़ियों में ले गए थे, वहां दुष्कृत्य किया उसके साथ और मरा हुआ समझकर छोड़ के चले गए थे। और अनुसंधान पश्चात माननीय न्यायालय में SIT ने अपना अभियोग पत्र प्रस्तुत किया, जहां अभियोजन ने अपने मात्र 37 गवाहों की सूची 37 गवाह प्रस्तुत किए और मात्र 8 दिन में अपना प्रकरण प्रमाणित कर दिया। और आज दिनांक माननीय न्यायालय ने धारा 363 में दोनों ही आरोपियों को दोषी पाते हुए 7 वर्ष और ₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया। धारा 366 में 10 वर्ष और ₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया। धारा 307 में आजीवन कारावास से दंडित किया तथा धारा 376 DB में दोनों ही आरोपियों को फांसी की सजा से दंडित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8।